नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी YouTube चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कि हम किसी भी PDF फाइल से कुछ पर्टिकुलर पेजेस को किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ओपन करना गूगल का क्रोम ब्राउज़र, जो कि मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, Ctrl+O। किसी फाइल को ओपन करने की ये शॉर्टकट की होती है, Ctrl+O शॉर्टकट की तरह से हम ओपन करेंगे और उस PDF फाइल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें से हमें PDF के कुछ पेजेस को अलग से निकालना है। ठीक है, तो वो फाइल मैंने जो डाउनलोड करके रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट एल्गोरिथम, ये वाली वो PDF फाइल है। इसमें से मैं कुछ पेजेस को अलग निकालना चाहता हूँ एज ए नोट्स के तौर पर। ठीक है, सिंपल इसको क्लिक करेंगे और ओपन बटन पर क्लिक करेंगे और ये जो फाइल होगी ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आप देख सकते हो टोटल 9 पेज हैं। ठीक है, तो ये टोटल 9 पेज हैं इस फाइल के अंदर और मैं चाहता हूँ कि इसका पहला पेज और इसका लास्ट का पेज, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये वाला पेज और ये वाला पेज, ठीक है, ये अलग अलग पेजेस हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये पहला पेज और ये लास्ट वाला पेज एक्सट्रैक्ट हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पहला और लास्ट वाला, आप अपनी मर्जी से चाहें जिस पेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल यहाँ पर आने के बाद आपको करना है कि आपको यहाँ पे सभी पेजेस दिखाई देंगे कि आपने कौन सा पेज सेलेक्ट किया हुआ है फिलहाल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले पेज पर आ जाता हूँ। तो ये पहला पेज आ गया जो कि यहाँ पे यहाँ पर आपको दिख रहा है। सिंपल यहाँ पर आपको आने के बाद Ctrl+P प्रिंट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो आपको प्रेस करनी है, Ctrl+P। ठीक है, ऐसा करने के बाद यहाँ पर ये पेज आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर देखिए डेस्टिनेशन माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, PDF के रूप में ये प्रिंट होगा या फिर सेव एज PDF भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आल पर क्लिक सेलेक्टेड है पेज, यानी कि आल सारे के सारे पेज जो है PDF के रूप में फिर से सेव हो जाएंगे, एक तरह से कॉपी बन जाएगी। बट मुझे चाहिए क्या कि मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड पेजेस को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑल पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है ऑड पेज, इवन पेज, कस्टम। मैं कस्टम पेज को सेलेक्ट करूँगा। कस्टम पेज में आप देख सकते हैं लिखा हुआ एग्जाम्पल में कैसे लिखना हमें, जैसे 1-5, 1 से 5 तक के, उसके बाद कोमा, फिर 8, उसके बाद 11 से 13, इस प्रकार से पेज हमें लिखने हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक तो पहला पेज लेना है। तो जैसे ही मैं पहला पेज सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर आपको पहला पेज दिखेगा और ठीक है स्क्रॉल करोगे तक कुछ नहीं होगा क्योंकि एक ही पेज सेलेक्टेड है। बट अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे तीसरा पेज आ गया है। ठीक है, सिर्फ तीसरा पेज यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा। बट अगर मैं 1 से लेकर के इस तरह से माइनस, जो आपका घटा का निशान होता है वो लगाता हूँ और 2 बटन प्रेस करता हूँ, यानी कि 1 और 2, 1 से लेकर 2 तक के, ठीक है, कोमा हटा देंगे, ठीक, 1 से लेकर 2 तक के, तो यहाँ पे 2 पेज आपको दिखाई देंगे, पहला और दूसरा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि पहला और आखिरी, आखिरी कौन सा, नौवा, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के, ये यहाँ पे सारे पेज आ जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि पहला और नौवा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 लिखेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे और उसके बाद फिर 9, जो जो पेज आपको प्रिंट करने हैं उनको यहाँ पे लिख लीजिए, पहला और नौवा पेज। तो यहाँ पे आप देखोगे पहला पेज ये है और ये कौन सा पेज है, ये लास्ट का पेज है जो कि नौवां पेज है। और यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा जब आप स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, कि ये कौन सा, ये नौवां पेज है और ये पहला पेज है। ठीक है, इस तरह से आप जो है अपनी मर्जी से चाहें जिस प्रकार से जो है पेजेस को सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं चाहूँ तो पहला, दूसरा और नौवां, ठीक है, 3 पेजों को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कोमा लगा लगा के, पहला, दूसरा और नौवां। तो यहाँ पे देखोगे पहला, दूसरा और नौवां, 3 पेज आ चुके हैं। अब सिंपल आपको प्रिंट बटन पर और इस प्रकार से क्लिक करना है और ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। बट यहाँ पर एक और ऑप्शन है कलर का, जैसे आप कलर पर क्लिक करोगे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर। ब्लैक एंड व्हाइट करने पर यहाँ पर आप देखोगे ये जो PDF की फाइल है ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, जैसी आपकी फोटो कॉपी में होती है। बट अगर आप चाहें तो इसको कलर में भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास प्रिंटर कलर में है तो वो कलर में आपको प्रिंट करके दे देगा, अन्यथा ये फाइल आपकी PDF के रूप में जो है सेव हो जाएगी कलर में। कलर में क्लिक करके आपको प्रिंट बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं और इसका नाम क्या देंगे। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रिंट माई फाइल। ठीक है, उसके बाद सेव बटन पर प्रेस करेंगे और डेस्कटॉप पर मैंने इसको सेव किया था, ये वहाँ हमारी फाइल आ चुकी है प्रिंट माई फाइल। सिंपल डबल क्लिक करके आप इसको ओपन करके देख सकते हो, इसके अंदर 3 पेज आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी जूम है इसका, तो 100% करने पर आप देख पाओगे 75%, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज
और ये फिर आपका लास्ट जो कि तीसरा पेज, ठीक है, उसमें 9वें पर था बट इसमें 3 पेज आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी फाइल से, किसी भी पीडीएफ फाइल से कुछ सेलेक्टेड पेजेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।